हेलो, सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, सलाम गुल साहब, कैफ हाल? सुभान अल्लाह। जहांगीर ना बखाई अल्हम्दुलिल्लाह बिहार हूँ ऐना अंता? अना अंता जी रामबूर। माशाल्लाह माशाल्लाह, आई वाह। हाँ तो बाबा शाह जिंदा भाई, तो खैरियत से हैं आप? अल्लाह करम सब्जी। भाई मैं आपका छोटा भाई बोल रहा हूँ, अफू खान, यूपी इलाहाबाद से। कौन सी जगह है? यूपी इलाहाबाद फरमाओ। जी। सब खैरियत से हैं आप? अल्लाह करम सब्जी। भाई आपसे मेरी एक बार बात भी हुई थी, तो आपने कहा कि मैं इंसान नहीं हूँ, जिन हूँ। खैर वो सब तो बात, वो तो बात की बात है। आपका मतलब, आपका दीन क्या है, मजहब क्या है, थोड़ा इसको ओपन बताएंगे वजाहत के साथ? क्या मतलब आपका दीन क्या है, मजहब क्या है, हमको जानना है, क्योंकि काफी सारे लोग आपकी ऑडियो से सुन के कंफ्यूज दीन हैं। अंदर लाए इस्लाम जो कुरान में अल्लाह ने फरमाया, हमने आपके लिए आपका दीन मुकम्मल कर दिया। जी अल्लाह के रसूल से मिला वही दीन है, सहाबा कराम के ताबीन, ताबीन के तबे ताबीन, के औलिया शामिलीन, उनसे हम तक आया। बस ना अच्छा, तो बरेल में देवबंदी से आपका कोई लेना देना नहीं है? बरेली, ना देवबंदी, ना शिया, ना अहले हदीस, ना जमात इस्लामी। हमारा ताल्लुक है अहले सुन्नत वल जमात से। बस हाँ, तो आप पहले सुन्नत हैं? अच्छा अहले सुन्नत वल जमात ये सारे अहले सुन्नत जैसे बरेली है। चलिए, माशाल्लाह। तो आपका दीन क्या है, मजहब क्या है, बता दीजिए थोड़ा एक लाइन में। मजहब मजहब दीन इस्लाम है और क्या? और मजहब क्या है? दीन इस्लाम दीन नहीं, दीन तो इस्लाम है, मजहब क्या तो मजहब है और है? नहीं, आप बात समझे नहीं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपका दीन क्या है, मजहब क्या है? क्या। अरे मजहब को दीन भी कहते हैं, मजहब भी कहते हैं। देख, हाँ एक मिनट, दीन और दीन आसान है, करते हैं दीन आपको, दीना और आसानी से पूछते हैं, इत्मीनान से आप जवाब इल्ला दीजिए। इस्लाम, बेसिक दीन इस्लाम है अल्लाह के नबी। नहीं, वो तो बात की बात है ना, वो मैं आपसे दलील नहीं मांग रहा हूँ। मैं आपसे हाँ आपका जो दीन है, आपका जो मजहब है, उसके ताल्लुक से जानना चाहता हूँ। हमारा मजहब वही है कि नहीं, अल्लाह वही नहीं, इब्राहिम क्या का है उसका मजहब कोई है। नाम है वही, मतलब ये कौन सा मजहब होता है? वो सुबह जमात नाम तो है ना। अच्छा चलिए ठीक है भाई, हम आपको बताते हैं। जैसे मैं अफू खान हूँ, तो मेरा दीन इस्लाम है, और जो मेरा भाई जो तरीका है, मजहब है, वो है भाई किताबो सुन्नत। ठीक, तो इस ठीक भाई, तरीके से हमारा आपका और दीन तो क्या। इस्लाम है, लेकिन आपका जो भाई तरीका है, मजहब है, वो क्या है, उसको वाजे कीजिए। यही है भाई, किताबो सुन्नत से जो चला है वही नहीं, मजहब। जैसे बाज लोग होते हैं भाई, वो हनफी मजहब के होते हैं, कोई शाफई मजहब का होता है, कोई भाई अपना हम्बली होता है, मलकी ना होता है, तो ये आपका मजहब मसलक क्या है, ये मसलक है, मसलक। उसी को बोलते हैं मजहब। ठीक, हाँ मसलक तो क्या जो तौर तरीका होता है, जिस तरीके से आप भाई है। दीन हाँ इस्लाम को फॉलो करते हैं, उसको बोलते हैं मजहब। और दीन क्या है, वो तो इस्लाम है ही है। हाँ वो तो तो जैसे हमारा भाई हल्की किताबो सुन्नत है मजहब, तो हम उसके जरिए इस्लाम को फॉलो करते हैं, उस तरीके आप क्या चीज देख के काफी फॉलो करते हो? वही काफी है, किताबें सुनने बहुत है। हाँ तो किताबो सुन्नत बहुत है ना, तो आप हो गए ना अहले सुन्नत। हेलो सुनने चाहिए। तो अहले सुन्नत का एक ही नाम है ना आज के दौर में, अहले हदीस। तो आप हो गए ना अहले हदीस। अहले हदीस नहीं, तो अगर आप अहले हदीस भाई, अगर अहले आप हदीस नहीं नहीं, इनकार अहले कर रहे हैं, तो आप अहले सुन्नत कुरान, नहीं है। अहले हदीस कुरान को नहीं मानते। नहीं नहीं, अहले हदीस आपको नहीं मानते या आप उनको नहीं मानते? अच्छा, कुरान कुरान को नहीं मानते अहले हदीस। अहले हदीस कुरान को नहीं मानते। अच्छा और भी दलील देंगे ना। भाई भाई, चलिए, आपके दलील देने से पहले मैं आपको देखो एक ऐसा है, बहुत हम अच्छी चीज अहले बता। कुरान नहीं, मैं अहले कुरानो हदीस हूँ। अहले हदीस नहीं, मैं अहले कुरानो हदीस हूँ। हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए, ये आपके अकल की मेरे पे कमी है, ठीक है, क्योंकि अल्लाह ताला ने सूरे जुमर में
कुरान को भी हदीस कहा है। अल्लाह ताला ने कहा है कि हमने बातों में बेहतरीन बात को नाजिल किया है, अहसनुल हदीस। तो अल्लाह ताला ने कुरान को भी हदीस कहा है। रसूलुल्लाह के फरमान के हिसाब से कहते हैं। देखिए हदीस का जो लुगवी माना होता है वो होता है बात, खबर। तो जो अल्लाह की बात है भाई वो कुरान है, जो अल्लाह के नबी की बात है। नहीं नहीं देखिए बाबा शाह जिन्नात भाई, अरे सुन तो लीजिए मेरे प्यारे भाई, यहाँ कोई झगड़ा नहीं हो रहा है, इस्लाह की नियत से बात हो रही है, इस्लाह की नियत से बात हो रही है। हम आपकी इंशाल्लाह सुनेंगे और थोड़ा सा आप हमारी सुन लीजिए, ताकि जो बात है ना एकदम मतलब वाज़े हो जाए कि आपका कीदा क्या है, वाकई आप अहले सुन्नत हो कि नहीं। अब आपने कहा कि हम जो हैं वो अहले कुरान और अहले हदीस हैं, यानी कि आपके नजदीक जो कुरान है वो अलग है और जो भाई जो हदीस है वो अलग है, लेकिन अहले सुन्नत के वहाँ भाई उनके वहाँ तो भाई जो कुरान हदीस दोनों एक ही हम माना है, क्योंकि अल्लाह ताला ने भाई कुरान को भी हदीस कहा है। और हम भाई आमतौर पर जानते हैं जो अल्लाह के नबी का कौल फेल अमल तकरीर है भाई उसको भी हदीस कहते हैं। तो इस माने में हम जो अहले बिदत हैं उनके सामने अपने आप को कहते हैं कि हम अहले हदीस हैं। और गौसे आजम जो अल्लाह के वली हैं उन्होंने क्या कहा, पिराने पीर ने शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ने अपनी किताब गुनियतुत तालबीन की जिल्द एक सफा नंबर 166 में पहले ही बता दिया, आज के दौर में अहले सुन्नत का एक ही नाम है, वो है अहले हदीस, असाबुल हदीस, अहले असर। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप अपने आप को भाई अहले सुन्नत मानते हैं तो अहले हदीस होने का इनकार ना कीजिए, क्योंकि अहले हदीस होने का इनकार करेंगे अहले सुन्नत से गेट आउट, फौरन भाई आप बाहर हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने आपसे पूछा था कि आपका दीन क्या है, मजहब क्या है। दोनों है एक साथ, अहले कुरान और अहले हदीस, इसको मिलाकर मैंने कहा अहले कुरान और हदीस। बात चलिए मुकम्मल होगी ना जी। अब देखिए अल्लाह ताला ने क्या कहा कि मेरा नबी अपने दिल से कुछ नहीं कहता, वो वही कहता है जो उसके ऊपर वही की जाती है, यानी कि जो नबी की बात है वो भी अल्लाह की तरफ से है और जो अल्लाह का कलाम है वो भी अल्लाह की तरफ से है, ठीक है। और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ए अहले कुरान तुम वित्र पढ़ा करो, तो अल्लाह के नबी ने क्या कहा अहले कुरान। तो अगर आपका उसूल अप्लाई कर लें कि जो अहले कुरान है वो अलग है, अहले हदीस अलग हैं, यानी कि खाली अल्लाह के नबी ने बस उनसे बोला अहले कुरान से, मतलब जो हदीस को मानने वाले उनको नहीं पढ़ना है वित्र, नहीं, इससे साबित क्या होता है कि मेरे भाई कुरान भी हदीस है और जो अल्लाह के नबी की जो बात है वो भी हदीस है। तो इस मानने में हम भाई असाबुल हदीस हैं, अहले हदीस हैं, हम कुरान हदीस वाले हैं। अलग अलग तो मेरे भाई 1447 साल में किसी भी आलिम दीन ने मुहद्दिसीन ने आज तक नहीं किया, यहाँ तक कि जो अल्लाह के भाई जो वली औलिया थे उन्होंने भी दोनों को एक ही लिया। तो आप अपना खुद साख्ता कीदा बना के सुन्नत वल जमात जो मकसद खिला रहा है वो यह है जो सुन्नत के मुताबिक और सहाबा ने जो किया खुल्फा राशिदीन। जी जी माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आज आप जो काम कर रहे हैं वो कौन से सहाबा ने किया है, आज जो आप काम कर रहे हैं दीन बना के वो कौन से साहबी ने किया है, मतलब जैसे अल्लाह ताला ने आपको इंसान बनाया लेकिन आप कहते हैं कि मैं वो हूँ जिन्नात हूँ ख्वाजा का, तो ये कौन से साहबा ने अपने आप को कहा कि मैं तो अल्लाह के नबी का जिन्नात हूँ, या मैं साहबा का जिन्नात हूँ, या मैं खुल्फा का जिन्नात हूँ। तो आपने अपने आप को जिन्नात मतलब भाई कहाँ से बना लिया, अल्लाह के रसूल ने आगे चली से क्या फरमाएगा, क्या बू तुराब नहीं नहीं, आप क्या हैं, आप इंसान हैं कि जिन हैं, वाकई पहले बताइए अपनी पहचान। फरमाया था ना जो तुराब क्या आगे चली मिट्टी के बात हुए थे, थोड़ा जोर से बोलिए। अल्लाह के रसूल ने आगे चली को अभी तुराब कहा था कि नहीं, तो वो तो लकब था ना, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो इंसानियत से खारिज हो जाएंगे। मिट्टी के बाप के क्या अरे उनका तो ये भी लकब था शेरे खुदा,
ठीक, अब क्या उनको हम क्या असलियत का खूंखार जानवर मार लें माजल्ला? नहीं तो अभी होता ना, वो तो हकीकत नाम कर रहे थे। तो मतलब आपका कहने मतलब ये है कि आप एक्चुअल में आप इंसान हैं, लेकिन लोगों के सामने आप जिन हैं, ऐसा आपका अकीदा है? मैं वो हकीकत खाली नहीं, तो अकीदत में आप उनके मतलब भाई वो मानने वाले बन जाइए क्या? इंसान क्या मानने वाले भाई नहीं बनते? जरूरी है कि उनको मानना है तो जिन बनना पड़ेगा? इंसान बन के कह सकते हैं इंसान के लिए? तो आप इंसान हैं, आप भी अल्हम्दुलिल्लाह खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, आपके भी माशाल्लाह शादी भाई शादी ब्याह बीवी बच्चे सब भाई पता नहीं मेरे को है कि नहीं, लेकिन भाई अंदाजा कह रहे होंगे, तो आप काहे के लिए जिन विन बने भाई आप घूम रहे हैं? इंसान बनिए ना, इंसान सबसे अफजल है, जिन्नों से भी ज्यादा अफजल इंसान है। तो अल्लाह ने आपको अफजल बनाया है तो आप क्यों अपने आप को नीचा बना रहे हैं? फरिश्तों से भी अफजल इंसान है, क्योंकि फरिश्तों ने भी आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया। तो माशाल्लाह आप सब कुछ जानते हो, उसके बावजूद अकीदा आपका इतना मेरे भाई बातिल वाला है, इसीलिए मैंने आपसे पूछा था कि आपका दीन क्या मजहब क्या है, क्योंकि आप अपनी ऑडियोज भेजते रहते हैं, वॉइस आप भेजते रहते हैं पूरे ग्रुप में, आपकी मेरे भाई वॉइस से हमने सारी की सारी भाई सुनी, लेकिन मेरा इतना कंफ्यूजन था कि आखिर आप हो क्या? आप सबके सामने कहते हो ना मैं बरेलवी हूँ, ना देवबंदी हूँ, ना अहले हदीस हूँ, ना मैं शिया हूँ, ना कादियानी हूँ, तो आखिर हो क्या, मजहब आपका क्या? चलो दीन मान लिया इस्लाम है, मजहब क्या है, किस तरीके से फॉलो करते हो? तो हम पहले नंबर पे कुरान को मानते हैं, दूसरे नंबर पे हदीस को। नहीं ये तो हर आदमी मानता है मेरे भाई, खुलफाए राशिदीन उन्हीं का जो फरमान है। हाँ अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नती खुलफाए राशिदीन, बिल्कुल सही बात है। चौथे नंबर पे सहाबा उन्हीं का जो फरमान है, असाबी कन्नुजीन जाइए में अफ़सदाइतन अफ़सदाइतन। हाँ ये तो अल्लाह के नबी ने फरमाया था ना, मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, कामयाबी वाला जो फिरका होगा वो होगा मान अलैहि व असहाबी अल्यौम, आज के दिन जिस तरीके पे मैं और मेरे साहबा हैं। तो हम यहाँ तक बस हुज्जत मानते साहबा, तो बाकी की जो वलियों की तरह जो बात है उसे हम हुज्जत नहीं मानते। देखिए वली वली क्या है, मैं आपसे जानना चाहूँगा वली क्या होता है? वली जो होता है वो कुरान में है, अल्लाह ने फरमाया यानी कि अल्लाह का तकवा इख्तियार करते हैं, उनके अंदर अल्लाह का खौफ होता है। हाँ बहुत ज्यादा ठीक। और अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि जब मेरा बंदा वो फराइज अदा करता है तो मैं बहुत खुश होता हूँ, और जब फराइज के साथ साथ जब भाई वो मतलब जो बाकी जो एक्स्ट्रा की भाई इबादत होती है नवाफिल उनको करता है तो मैं उनसे मोहब्बत करने लगता हूँ, और इतनी मोहब्बत करने लगता हूँ कि जहाँ वो देखता है तो मैं उसकी आग, उसकी जो आँख होती है आग बन जाता हूँ, जिस हाथ से वो काम करता है मैं उसका हाथ बन जाता हूँ, जहाँ वो चलता है मैं उसका पाँव बन जाता हूँ। इसका माना माजल्ला ऐसा नहीं हकीकी माना कि अल्लाह ताला आ जाता है समा जाता है, माना कि अल्लाह की मर्जी से वो देखता है, अल्लाह की मर्जी से बोलता है, अल्लाह की मर्जी से अपने अपने हाँ अपने हाथों से अच्छा अच्छा काम को अंजाम देता है, अच्छी राह पे चलता है, इसका माना ये है। तो वो भी तो अल्लाह के वली हुए ना, तो वही मैं कह रहा हूँ आप भी मेरे भाई फराइज के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह भाई वो नवाफिल में खूब पाबंद बनिए, आप खुद अल्लाह के दोस्त बनिए ना, आप वली के पीछे बस पड़े हुए हाथ धो के और किताब सुन्नत को मेरे भाई छोड़े जा रहे हैं। कुरान में है ना वो, तो वो भी बात क्या या अय्युहल लजीना आमनू तक्कुल्लाह व कूनू मा सादिकीन। क्या माना आपने इसके लिए? अल्लाह से डरो व कूनू मा सादिकीन, अल्लाह फरमाता है सत्य से डरो अल्लाह। देखिए वली को मानना का माना क्या है, अगर मैं कह रहा हूँ कि हाँ ये अल्लाह के वली हैं, मांगो उनसे जाके कम से फातिहा पढ़ो क्योंकि अल्लाह के वली का मजा ले फातिहा पढ़ के। देखिए पहली चीज तो आपका क्या ईमान अकीदा है कि जो अल्लाह का वली होगा क्या वो अल्लाह के नबी की किसी बात का इनकार करेगा? नहीं करेगा।
तो अल्लाह के नबी ने जब फरमा दिया कि कब्रों को ऊंचा मत बनाओ, पक्का मत बनाओ, तो क्या वली की हम कब्र को ऊंचा पक्का बना के क्या उनकी मेरे पे दरगाह के ऊपर जाएंगे फातिया देने? ये तो वली की तोहीन हो जाएगी। भाई क्या आप खुद बताइए, अपनी अकल से सोचिए। अल्लाह ताला ने आपको भी मेरे पे माशाल्लाह अकल दी है, उम्र में कम से कम आप भाई 50 साल के तो ऊपर होंगे, है ना, जहाँ तक मेरा अंदाजा है आपकी आवाज से लग रहा है। कितने साल के हैं आप? और 40 साल 48 साल। चलिए माशाल्लाह, अब 2 साल बाद इंशाल्लाह आप हो जाएंगे 50 के पूरी, भाई 50 आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो अब आप खुद बताइए, आप 50 साल के होने वाले हैं, आपने अल्लाह के नबी की जो बात को अमल ना करे उसके उलट काम करे, वो वली आपने उनको बना लिया है, जो कभी नहाता ना हो, नंगा रहता हो, आज उसकी दरगाह बनी हुई है, जिसने किताबो सुन्नत को छोड़ दिया हो, वो खुद साख्ता वली बना लिया है। जी, जी बरेलवी शैतान हो रहे हैं, मक्कार हो रहे हैं, वो बात ठीक है। मैं इससे कोई मतलब नहीं है, सारी जगह जगह बाजार तो आप बना कौन से रहे वली हैं। के मानने वाले हैं? आप अपने वली का नाम बताइए। जो ओरिजिनल असली वली है जैसे मुनव्वर सैलाबादी, कौन से इलाहाबादी? और हजरत मुनव्वर सैलाबादी, अच्छा उनका मजार है ना माता। यही तो बात आ जाती है ना, मजार ही गलत है ना। नबी ने यार जो फरमा बाद दिया वालों ने कब्रों को ऊंचा ना बनाओ, बाद पक्का वालों ना बनाओ, तो अरे जो मजार बाद बना वालों के ने हम कैसे बनाया वली उन्होंने की शान थोड़ी कर सकते? बनाया, उन्होंने थोड़ी कहा था, ये सब बाद वालों ने बनाया। अकीदत मंदे तो बाद वालों ने तो बनाया, तो अल्लाह के अल्लाह नबी के का नबी मजार ने नहीं बना, अली रजी या अल्लाह अल्लाह के तआला नबी अनु से का कहा मजार था सही नहीं ना, बना, अल्लाह के नबी का मजार सही नहीं बना क्या? अल्लाह भाई अल्लाह के नबी ने अली रजी अल्लाह तआला अनु से कहा था ना कि जहाँ पे वो तो ऊंची बात कब्रें छोड़ो, देखो, अभी पक्की रियलिटी कब्रें मुझे देखो, उसको बताओ जमीन से कि बराबर कर क्या दो। अल्लाह के नबी का मजार सही नहीं बना? अल्लाह के नबी से क्या मजार सही है कि नहीं? अच्छा नहीं भाई, मजार नहीं है वो अच्छा भाई, वो कब्रे अनवर है, कच्ची कब्र है। कच्ची कब्र हो जो भी है, लेकिन ऊपर से तो कुछ बना है ना, गुंबद शरीफ। वो तो मेरे भाई गुम्बदे जो मेरे भाई खिजरा है वो तो बाद में बना है। लेकिन बना तो है, अब भाई फिर वही चीज, अब कोई नबी का मेरे भाई कार्टून बना दे और उसके बाद हम मतलब उससे दलील पकड़ लें कि नहीं कार्टून तो बना है ना, तो क्या माज अल्लाह क्या ये बात सही हो जाएगी? जो बाद में बना है वो ठीक है, वो हालात के हिसाब से उसको हटाइए, असल दीन क्या है? अल्लाह के नबी ने क्या कहा, मा आना अलैहि व असाबी अल्योम, आज के दिन जिस तरीके पे मैं और मेरे सहाबा हैं, मैं पहले नबी पहले बाद में सहाबा, तो नबी को और सहाबा को देखना पड़ेगा उस दौर में क्या था, और नबी और सहाबा के दौर में ये जो मेरे भाई गुम्मत थी वो थी नहीं, तो जो बाद में आई उसको छोड़ दीजिए, वो अब आई है, अब उसको तोड़ने से मेरे भाई फितना होगा, फसाद होगा, तो वो खैर बन गई है, चलिए बन गई, उससे हमारा कोई ना तो अकीदा है ना कोई ताजीम है, चलो ठीक है बन गई बन गई, बात खत्म। लेकिन असल दीन क्या है? वही मेरे भाई किताबो सुन्नत। तो बात यहाँ पे आ रही है, वली से जो मोहब्बत होती है उसका माना होता है कि जो हमारे अल्लाह के वली थे, अल्लाह के दोस्त थे, अल्लाह की उन्होंने इबादत की, अल्लाह के दीन का काम किया, तो हम भी वैसे ही अमल करें, ये होता है वली से अकीदत। लेकिन अकीदत का माना ये नहीं है कि वो वली बेचारा पड़ा हुआ है कब्र के अंदर और हम जाके फातिया फातिया दे रहे हैं और नियाज लगा रहे हैं, ये तो मेरे भाई दीन में एक बिगाड़ हो गया। और ऐसे लोग जो कहते हैं वो अपने आप को सीना ठोक के कहते हैं हम अहले सुन्नत है, तो ये सबसे बड़ा मेरे भाई झूठ है अहले सुन्नत के ऊपर। अहले सुन्नत ऐसा काम नहीं करते हैं बिदती वाला, तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ आप भी तौबा कीजिए मेरे भाई, मरने से पहले 50 साल के हो गए, बहुत ज्यादा इंसान की जो एवरेज क्या मेरे भाई लाइफ है वो 60 साल है। आप क्या चीज? फातिया फातिया है ही नहीं ना मेरे भाई, ये फातिया देना वाला मसला ये अलग है, फातिया खानी ये बिदत है। कबर की ज्यारत करने भी नहीं जाते क्या?
अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम कब्रों पे जाओ ताकि तुमको आखरत याद आए, मौत याद आए। तो हमें और इसके आदाब भी हमको बताए अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब तुम कब्रों पे जाओ। बताओ जाते हो कि नहीं जाते? क्या चीज? कब्रों पे जाते हो क्या? नहीं, हाँ कब्रों पे जाने के लिए तो अल्लाह के नबी ने कहा ना, कहा कि जब कब्रिस्तान जाओ तो कहो अस्सलामु अलैकुम या अहले कबूर, सलामती हो तुम पर ए कब्र वालो, उनको दुआ दो, कब्र पे जाओ बैठो, आखिरत याद करो, अपनी मौत को याद करो। वो क्या सुनते हैं जो कह रहा है सलाम अलैकुम अहले कबूर? सुनते हैं वो? नहीं, ये तो एक दुआ है ना, हम अल्लाह से कर रहे हैं कि ए अल्लाह इन कब्र वालों को सलामती दे। कर रहा है वो तो दादाज को कह रहा है सलाम अलैकुम अहले कबूर, सलाम हो तुम पर ए कब्र वालों, सलामती हो तुम पर ए कब्र वालों। ये हम किससे मांग रहे हैं? जब तो हम सलाम कर रहे हैं, सुन रहे हैं? अब देखिए कब्र वाले सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं, ये दूसरा टॉपिक आ जाएगा। नहीं तो फिर मुखातिबत तो हो रही है ना, ये अहले कुबूर। तो इसका माना ये है ना, ये सलाम बामाना एक दुआ है। इसका माना ये नहीं है जैसे हम जिंदों को सलाम करते हैं तो वापस वो हमको वालेकुम अस्सलाम कहते हैं, वाला नहीं माना है वो। तो क्या मतलब होगा? वो तो भाई वो बरजक है ना, कब्र एक बरजक है। और अल्लाह सुबहान तआला ने सूरह मोमिनून में आयत नंबर 100 में कह दिया है ना कि हमने दोबारा उठाए जाने तक इस दुनिया और आलम बरज़क के बीच में जो आड़ होती है उसको बना दिया है। ना यहाँ के लोग आलम बरज़क में जा सकते हैं, ना आलम बरज़क वाले लोग वापस इस दुनिया में आ सकते हैं। तो जो कुरान कह रहा है वो मानेंगे ना। अभी आपने कहा था ना हम अहले कुरान और अहले हदीस हैं, तो मानिए कुरान को। क्या तुम नहीं मानोगे? तो हम तो मान रहे हैं, तभी तो हम कह रहे हैं ना। तो कैसे कह रहे हो कि मानिए कुरान को? ऐसा जुमला इस्तेमाल कर रहे हो कि मतलब आपको नहीं मानना? नहीं, आप ऐसे हैं ना, आप ऐसे सवाल कर रहे हैं, कब्र वाले नहीं, सुनते हैं। आप कह रहे हैं कि मानिए कुरान को, तो मानिए ना, हम तो दावत दे रहे हैं ना, मानिए कुरान को। आप पहले कुरान है तो मानो ना कुरान को। अच्छा, चलिए खैर ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम ये कह रहे थे कि कब्रों पे, ठीक, आप किसी को अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं सुन लीजिए, उसके बाद आप अपने बदल का ठिकाना को सुन लीजिएगा, ठीक है? अब हमारी सुनो, पहले एक लाइन तो सुन लीजिए, फिर आप आराम से बोलिएगा। जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु वो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल ने ये मना फरमाया है कि जो कब्र है उस पर चूना भाई वो लगाया जाए, या उस पर बैठा जाए, या उस पर इमारत बनाई जाए। ये बात आती है सही अल मुस्लिम में, किताबुल जनाइज में, हदीस नंबर 970, और बाज मेरे भाई किताबों में आती है 2244। तो अब मेरे भाई आप खुद बता लीजिए कि क्या कब्रों पे जाके उसको पक्का बना के मजार दरगाह आस्ताना, और तो हम वलियों की ताजीम करने के लिए क्या हम फातिया देने जाएंगे? जो चीज बनाना ही साबित नहीं है वहाँ जा भाई, वहाँ जाना कैसे साबित हो गया? पक्का मकान बनाना साबित है? पक्का घर बनाना साबित है जहाँ आप रहते हो लंबा चौड़ा? अल्लाह के नबी ने फरमाया कुल्लू बिदतिन जलाला, हर बिदत गुमराही है, लेकिन दीन में कितना बना सकते हैं घर? दीन में दुनिया में नहीं। घर आप जो मकान अपना बना रहे हैं वो दीन में बना रहे हैं या दुनिया में रहने के लिए बना रहे हैं? दुनिया में बना रहा हूँ, दीन में बना रहा हूँ, तो हुक्म है क्या नहीं? अरे घर आप जैसा बनाए, जिस हिसाब से आपको रहना है, आपका घर है, आपको एक कमरा चाहिए एक कमरा बनाए, 10 कमरे चाहिए 10 कमरा बनाए। पैसा बैंक में जमा करो 10-10 लाख 20-20 लाख का, ये है हुक्म है क्या? कहे का 20 लाख रुपए बैंक में जमा करो, 25 लाख जमा करो लड़की की शादी के लिए, और कोई रिश्ता ले जाए तो पूछो क्या करते हो। तो वो जाहिल लोग है ना, उनको पता ही नहीं, लड़की की शादी में तो पैसा मेरे पे खर्चा ही नहीं होता, उल्टे लड़के वाले देंगे मेहर। अभी हिंदुस्तान में ऐसा हो गया है कि बिना दहेज के शादी होती नहीं, चाहे मुस्लिम हो चाहे नॉन मुस्लिम हो। तो अब जिसको मेरे भाई किताबो सुन्नत से हटना है वो जाके बेटी के नाम से पैसे जमा करता है।
अहले हदीस में तो खूब लेन देन हो रहा जम के भाई। तो अहले हदीस कोई आसमान से उतरे हुए कोई फरिश्ते थोड़ी ना है, मासूम थोड़ी ना है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अहले हदीस का चोला पहन के भाई वो अपने अपनी अकल से काम करते हैं भाई। जिस तरीके से हनफियों में, बरेलवियों में, देवबंदियों में लोग हैं जो चोला पहन के घूम रहे हैं, उसी तरीके से अहले हदीस में भी आ गए हैं। क्या नौकरी करते हैं आप वहाँ पर? क्या नौकरी करते हैं, क्या करते हैं आप? हाँ भाई नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सी क्या नौकरी करते हैं भाई? हम सुपरवाइजर हैं, हमारे अंडर में 12 लोग हैं और हम भाई अपनी टीम को देखते हैं, उनके साथ अपना फील्ड पे जाते हैं, काम करते हैं भाई। हलाल काम है, रेस्टोरेंट का काम है। प्राइवेट होगा? प्राइवेट नौकरी है? हाँ सरकारी काम मेरे भाई रखी है। चलो खैर अल्लाह करम करना, नमाजी बनाओ आज भी तक तक छोड़ो अहले हदीस और भी जमात इस्लामी दाऊदबंदी बदली आप सीधे इस्लाम लेके चलो और अल्लाह का रसूल। भैया इस्लाम तो लेके चल रहे हैं लेकिन जब तक हम अहले हदीस भाई नहीं बनेंगे यानी कि किताब और सुन्नत वाले नहीं बनेंगे तब तक हम इस्लाम कैसे फॉलो करेंगे? मुसलमान नाम काफी है, इस्लाम काफी है। मुसलमान काफी है बिल्कुल, लेकिन खाली मुसलमान ही काफी नहीं है। हाँ कहो कि तुम मुस्लिम हो लेकिन ये नहीं कहा है कि कहो कि सिर्फ ओनली मुस्लिम हो, दोनों बातों में फर्क है। मुसलमान लेके चले तो मुसलमान है लेकिन उसमें भी तो कहा गया है ना मुहाजिर हो गए, अंसार हो गए, तो भाई ये उनकी जो पहचान है बताई गई ना। वो तो हिजरत करने पर मुहाजिर हुए भाई, इसीलिए मैं तो कह रहा हूँ बाबा शाह भाई आप माशाल्लाह बहुत अच्छे इंसान है, तहकीक आपकी अच्छी है लेकिन अधूरी तहकीक है, पूरी तहकीक कीजिए। अरे तो भाई हम कब कह रहे हैं कि आप भाई अहले बिदत वल जमात बन जाइए, हम तो कह रहे हैं अहले सुन्नत ही बनिए, लेकिन असली अहले सुन्नत बनिए ना जिसके ऊपर इजमा है, अहले हदीस ही अहले सुन्नत है। अल्लाह करम दो कितनी मारे आप जी। अच्छा आपको इतनी मतलब जलन क्यों है अहले हदीसों से? अहले हदीसों का कोई एक ऐसा अमल ऐसा कीदा आज की तारीख में बता दीजिए जो हम लोग करते हो और वो किताबो सुन्नत से साबित ना हो तो हम इंशाल्लाह तौबा करने के लिए तैयार है ना। क्या आप क्या मेरे भाई किसी के दिल में जाके बैठे हैं कि उनको खौफ है? दलील में इस्लाम की दावत दिया ने क्या क्या किसने क्या क्या इस्लाम की दावत दी हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अलैहि रहमतुल्लाह ने। अच्छा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस्लाम की दावत दी, लाखों ईमान लाए। अच्छा फिर अब ये तमाम के तमाम हिंदुस्तान भर के एशिया भर के अहले हदीस मिलकर मैं चैलेंज दे रहा हूँ आपको, फिर मैं आपका गुलाम बन जाऊंगा। पूरी दुनिया के अहले हदीस मिलकर बम्बई में या दिल्ली में किसी आरएसएस के दफ्तर में जाकर इस्लाम की दावत देंगे मुझे आप खबर कर देना कब जा रहा है, तब मैं आपका गुलाम बन जाऊंगा। अरे भाई इतनी छोटी सी बात है, देखिए आपको आपको गुलाम बनने की जरूरत नहीं है। बात है ना नहीं छोटी बात कह रहा हूँ, चलो मुझे बुलाओ मैं आऊंगा, किराया भाड़ा भी नहीं, नहीं किराया भाड़ा नहीं है। कब जा रहा हूँ आरएसएस के पास दावत देने इस्लाम की? असल में मेरे भाई हाँ ठीक है सुन लीजिए, अरे तो सुन लीजिए आपने पूछा है तो अरे तो सुन लीजिए मेरे भाई, आपने आपने बोल दिया हमने सुन लिया, भाई उसका जवाब तो कम से कम सुन लीजिए। आपको अगर मेरे भाई दरगाह पे मजार से आस्थानों से फुर्सत अगर मिल जाए तो कभी मेरे भाई बाकी बाहर की जो मेरे भाई दुनिया उसको भी देख लिया कीजिए। सन 2012 में ठीक है सन 2012 में आरएसएस के लोगों को हमारी जमात के लोगों ने भाई हिंदी में अनुदित कुरान का तर्जुमा उनको भेंट किया था और उनको तौहीद की दावत दी थी। ये सन 2012 का है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था, ये आप मेरे भाई गूगल पे जाके सर्च कर लीजिएगा, एग्जैक्ट तारीख तो हमको याद नहीं है। और हमारे डॉक्टर जाकिर नायक साहब ने सुन लीजिए
हमारे डॉक्टर जाकिर नायक साहब ने आरएसएस, बजरंग दल, आर समाजी, जितने भी लोग थे यहूदी, ईसाई, क्रिश्चियन, सबको इस्लाम की दावत दी और सबने अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम की जो अच्छाई थी उसको देखते हुए इस्लाम को भाई अपनाया भी। ठीक, इसका तो वीडियो मौजूद है, इसका तो कोई इनकार भी नहीं कर सकता। आज भी मलेशिया में सैकड़ों लोगों ने इस्लाम कबूल किया, जापान में सैकड़ों लोग ने अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम कबूल किया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब ने तो खाली हिंदुस्तान में भाई इस्लाम को फैलाया, अल्हम्दुलिल्लाह हम उनकी इज्जत करते हैं भाई, जितना जिसकी भाई आदमी की भाई पहुंच है वहां तक वो काम करता है। लेकिन डॉक्टर जाकिर नायक साहब ने तो अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया भर में जो इस्लाम का भाई जो परचम था उसको इतना बुलंद कर दिया कि इंडिया वाले इतना परेशान हो गए कि उनके ऊपर मतलब झूठा केस डाल के उनको बाहर ही कर दिया कि हाँ इसको देश से निकालो। तो ये सब होता है कि जब कोई मेरे भाई सीधी बात शांति की बात करता है, लोगों को जोड़ने की कोशिश करता है, तो लोगों की मेरे भाई दुकानें बंद होने लगती हैं। लोग सोचते हैं हिंदू मुस्लिम एक हो जाएंगे तो हमारी दुकान बंद हो जाएगी, तो लोगों ने उनको टारगेट बना के उनको मतलब भाई ये इल्जाम वो इल्जाम ये फला वो फला लगा के उनको मेरे भाई इंडिया से बाहर उनको कर दिया। देखिए बड़ा नहीं बना दिया मेरे भाई, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब ने जो मेहनत की अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी मेहनत नहीं। अच्छा ठीक है, मान चलिए मान रहे हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब ने 50 करोड़ लोगों को इस्लाम कबूल कराया, चलिए मान लिया। ठीक, तो अब हम क्या करें, अब क्या उनकी मेरे पे दरगाह बना के मजार बना के फातिहा पढ़ने लग जाए? देखिए इल्म की कदर होती है यहाँ, इल्म की यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है, जो मेहनत करेगा इल्म करेगा उसकी कदर करनी पड़ेगी। ख्वाजा साहब के पास क्या क्या इल्म है? ख्वाजा गरीब नवाज साहब को हम कुछ थोड़ी ना कह रहे मेरे भाई, उन्होंने जो काम किया अल्हम्दुलिल्लाह भाई हम उसकी इज्जत करते हैं एहतराम करते हैं ना, लेकिन इसका माना ये नहीं है कि उनके इस काम की बदौलत हम उनकी मजार बना दे दरगाह बना के हम मार चुमा चाटी करने लगे मजार पे। उनसे मत तोलो इसको, काम कर रहा है काम कर लो, उनसे मत तोलो। क्या ना बोले? उनसे मत तोल करो, बस काम कर रहा है करने दो जैसा कर रहा है। नहीं मतलब ये जो उसूल है क्या ये आप ही लेके आए कि खाली ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने इतना काम किया है अब कयामत तक अब कोई उनके जैसा कोई काम कर नहीं पाएगा? उनकी तुलना मत करो, कर रहा है क्यों ना करें, अभी दीन इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह बाकी है और ता कयामत तक कितने ऐसे लोग आएंगे जो बड़े बड़े कारनामों को अंजाम देंगे, हम खाली एक को पकड़ के नहीं बैठ जाएंगे। जब अल्लाह से लगाओ तो इंडिया में भागता नहीं क्यों मेरे भाई? अल्लाह के नबी के ऊपर जब परेशानी आई थी तो अल्लाह के नबी भी तो मेरे भाई अपना भाई वो जो शहर था उसको छोड़ के चले गए थे, आपने भी तो किसी हिजरत अल्लाह का हुक्म था भाई, मक्का को छोड़ के मदीना गए थे ना, तो अब क्या माज अल्लाह क्या हम कह देंगे कि अल्लाह के नबी ने दावत का काम ठीक नहीं किया? जब माहौल देखा जाता है, जब जान का खतरा होता है तो आदमी भाई चला जाता है। अभी आप कह रहे थे कि अल्लाह का हुक्म जो नबी के तो अल्लाह का ही हुक्म होता है, तो अल्लाह की तरफ से आया था ना हिकमत में कि यहाँ पे आपकी जान को खतरा है तो आप मक्का से मदीना चले जाओ। तो डॉक्टर जाकिर नायक भी अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा काम कर रहे थे तो उन्होंने अपनी मतलब अल्लाह के नबी की सुन्नत पे अमल किया, जब देखा कि यहाँ हमारी जान को खतरा है तो आप भी भाई इंडिया छोड़ के चले गए। उनका मेन काम है दीन की दावत देना, वो चाहे इंडिया में दें चाहे बाहर देशों में दें, और उनका तो ऐसे भी टूर है, उनके तो टूर मेरे भाई दुनिया भर में रहते हैं, तो उसमें मुश्किल क्या है? आप की तरह मजार पे फातिहा देख के और ये सब उल्टे सीधे काम थोड़ी ना कर रहे हैं, लोगों को भाई किताब सुन्नत की दावत दे रहे हैं। चलिए भाई ठीक है, बहुत समझाने की आपको कोशिश की लेकिन आप समझे नहीं। ये जैसे कमरे बन जाती है तो आप लोगों को एक मशवरा दे रहा हूँ मैं भाई, आपको एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ कि जो मेंढक होता है ना कुएं का, कुएं का मेंढक खाली मतलब जितना पानी देखता है सोचता है इतना ही पानी बहुत है, लेकिन जब वो भाई वो कुएं से बाहर आता है ना तो देखता है पूरा समुंदर
पूरा समुन्द्र भरा हुआ है कब्रिस्तान में जो खबरें बनती है। अरे भाई कबर मजार इनके अलावा भी दीन में बहुत कुछ बाकी है अल्लाह के बंदे। बात सुन ली हमने, एक मिनट की बात सुनो। बताओ कब्रिस्तान में आप बनाते हो, आप भी बनाते हो कि नहीं कब्रिस्तान दफन करते हो? तो अरे मैं वही तो कह रहा हूँ, कब्रें बनाते हो ना, दफन तो करते हो। अरे तुम भाई इंतकाल होगा तो मुर्दे को तो दफनाएंगे ना, कोई फेंक तो ना देंगे। उसको दफनाते यार, उसमें सिर्फ बिदत का खतरा है, उसे फना फिना कर दो, जला दो साला। तो उसमें सिर्फ बिदत क्या है, नबी के दौर में भी इंतकाल होता था तो उसको दफनाया जाता था ना, ये तो साबित है। जिसने जो शक वाली चीजों से बचा उसने अपने दीन की ईमान की हिफाजत, जला डालो तुम्हें जब इतना खतरा है, सिर्फ बिदत होने का खतरा है तो जला डालो खाने के अंदर। अरे भैया शिर्क और बिदत होने का खतरा कैसे हो सकता है? बाकी रहेगी यार, रूम तो बाकी रहने से वो आदमी जलेगा। अरे बाबा इसका जिन्नात भाई आप बात समझते हैं, जलाना हराम है, जलाना हराम है, काफिर तो नहीं होगा जलाने से आदमी। भाई जलाना अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि तुम्हारी मैयत को वैसी तकलीफ होती है जैसे जिंदों को होती है। कह रहा हूँ कि शिर्क और बिदत का खतरा लग रहा है, वो तो उसी का फरमान तो अपनी जगह सही है। देखिए खतरे पे काम नहीं होता है, हालात ऐसे हो गए, तुम कह रहे हो शिर्क और बिदत का खतरा भी भाई, खतरे के चक्कर में दीन के जो मतलब जो असल चीज है उसको थोड़ी ना चेंज कर देंगे। के लिए हराम काम किया जा सकता है। अरे अल्लाह के बंदे आप क्या पागल वागल हो गए क्या? अरे मैंने तुम्हें मशवरा दिया, तुम जब जलाना शुरू करो मुर्दे जलाओ चालू। देखिए इसीलिए तो आप आज तक अहले सुन्नत मेरे भाई बन नहीं पाए, क्योंकि दीन को मजाक आपने बना दिया। मुर्दे का इंतकाल हो जाता है तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं आसमान से, भाई मैं नबी की बात पेश कर रहा हूँ, आप सुनने को तैयार नहीं हूँ, कैसे अहले सुन्नत हो भाई? ईमान वाले तुमसे लग रहा है पूरे के पूरे। बाबा शाह जिन भाई सुन तो लीजिए अल्लाह के बनते, अल्लाह तो सुनो, तुमको ऐसा लग रहा है जैसे आसमान से बिल्कुल कम्प्लीट 100% ईमान वाले बन गया हो? नहीं नहीं मेरे भाई, 100% तो कोई दावा ही नहीं कर सकता। तुम तो 100% ईमान वाले, बाकी सब काफिर मुशरिक ईमान वाले रखे सारे। ये तो आपकी नाकी शक्ल, आपकी नाकी शक्ल सोच रही है ना। तुम तो ईमान वाले भाई, हमारा तो ईमान अकीदा है कि हमारे अल्लाह के रसूल ने फरमाया आदम की हर औलाद खताकार है और सबसे बेहतरीन वो है जो तौबा कर ले। तो हम भी आदम की औलाद है, हमसे भी मेरे भाई खता हो सकती है। काफिर हम जो नहीं है, तुम अपनी जगह हो सही, हम अपनी जगह सही। अच्छा मतलब ये सूर्य काफिरून वाली आयत है, लकुम दून लकुम वलियदीन, तुम्हारा दीन तो है वो सही है, जैसे तुम समझ जाओ अपने आप को सोफीजर बीमार वाला बाकी सब नहीं। तो यानी कि आपने अपने आप को काफिर मान लिया। को सुधारो पहले, अपने घर वालों को सुधारो, अपने महल्ले वालों को सुधारो, बाद में ईमान वाले बनना। नहीं यानी कि आपने अपने आप को काफिर मान लिया, आप अपने दीन पे हम अपने दीन पे है ना, लकुम दीन लकुम वलिया दीन। क्या बाबा शाह जिन्नात भाई, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर किसी का इंतकाल हो जाए तो मैयत को जल्दी से भाई तफदीन कर दो, उसको उसके अंजाम तक पहुंचा दो, तो मेरे भाई कब्र में मैयत को डालना दफन करना ये तो नबी का मेरे भाई बताया हुआ तरीका है। अब आप कह रहे हो नहीं जला दो, मुर्दे को दफनाने से शिर्क बिदत नहीं होता है, मुर्दे को दफन करने के बाद उसकी कच्ची कब्र को पक्का बना के पेंट करके इमारत बना के चादर 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 और उसके बाद फातिया 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 फातिया, इससे मेरे भाई बिगाड़ पैदा होता है। तो बिगाड़ आप रोकिए ना, आप तो मेरे भाई बिगाड़ को रोक नहीं पा रहे हैं और सीधे जो असल बात है आप उसको ही हटाए दे रहे हैं। आप पहले सुन्नत हो ही नहीं सकते भाई, अल्लाह ताला आपको हिदायत दे, 2 साल बाद आप 50 साल के हो जाएंगे, अल्लाह ताला 50 साल आपके होने से पहले अल्लाह आपको हिदायत देते हैं। अस्सलामु अला मन इत्तबल हुदा।